अंदर आ जाइए। अंदर का जो दृश्य है ये हॉल है इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय का, और यहाँ पे पूरे प्रखंड से लोग आए हैं, इस्लामपुर से, कंगर से, और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है जिसमें विकलांगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल या क्रचेज वगैरह दिए जाते हैं। इस पहल के लिए माननीय सांसद साहब के कोटे कोटे धन्यवाद कि उन्हीं के प्रयास से ये शिविर लगाया गया मुक्त विकलांगों के लिए। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में, और यहाँ पे विकलांगों का कैंप लगाया गया है, और एमपी साहब के पहल के द्वारा ये कैंप लगाया जाता है पूरे ज़िले में। और आज जो दिनांक है 27 तारीख, आज इस्लामपुर में लगाया गया। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में विकलांग लोग आए हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पे एक भैया हैं जो कि इलाज करवा करके आए हैं, थोड़ा सा हट जाइए, हम इनसे वार्तालाप करें। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम अंसारी है। भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या करवाने के लिए आए थे? हम तो सर बुलाए ने कि ये पता चला हमको कि शिविर लगा है, तो हम पहुँच गए। अच्छा, तो शिविर में वहाँ पे क्या क्या सुविधा है? आप लोग को ट्रीटमेंट हुआ अच्छा से? बस डॉक्टर साहब देखे थोड़ा बस, और क्या बताए? कुछ सिर्फ बोले नंबर, हम पूछा रिसीविंग चाहिए कुछ, कह के नहीं रिसीव होना है, जो मोबाइल नंबर है ना आपका फ़ोन से चला जाएगा, मतलब फ़ोन ही जाता है। हाँ हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा नाम बूढ़ा नगर हुआ। अच्छा, बूढ़ा नगर के रहने वाले हैं। क्या नाम हो भैया आपका? रामदयाल पास। इलाज हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी आए ही हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब कि चल नहीं पाते हैं ना? हाँ यही। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कहाँ घर है आपका? चमहेरा घर है सर। चमहेरा घर है, अंदर आ जाइए। अंदर का जो दृश्य है ये हॉल है इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय का, और यहाँ पे पूरे प्रखंड से लोग आए हैं, इस्लामपुर से, कंगर से, और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, और सैकड़ों के संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो अधिकारी हैं लिम्को के, उनसे ही वार्तालाप करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए इधर आइए गौतम जी, देखिए एक दादी हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। हटिए यहाँ पे से, इनका ट्रीटमेंट। क्या नाम हुआ दादी? सुंदरी देवी। कहाँ से आई हैं? छोटकी पटना। अच्छा, क्या यहाँ पे इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वही वाला। अच्छा, यहाँ पे इलाज कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये हैं डॉक्टर साहब? हाँ। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या मतलब कि इलाज कर रहे हैं उनको? इसका है ना जो पैर काटा हुआ है, इसके लिए लगेगा एक बोला जाता है पार्शियल फुट, जो इसको हम लोग मेजरमेंट लेंगे उसी के नाप से, जो जो जिसके जो उन कंपनी के थ्रू हम लोग आए हैं वो कंपनी से बन के आएगा, फिर यहीं ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, कब तक डिस्ट्रीब्यूशन की तिथि है कुछ संभावित? यहाँ पे पहले आने से पहले डीएम को सूचित किया जाता है, ये भारत सरकार का पहला तो है कि ये भारत सरकार का है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो का आएगा, मतलब कि उनके पास इन्फॉर्मेशन वीडियो साहब देंगे, मतलब ब्लॉक में जो भी पदाधिकारी पंचायती समिति जो भी है उन लोग का दिया जाएगा। अच्छा, मतलब एक समय निर्धारित की जाएगी और उसके बाद इन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जो भी? खैर मालूम हम लोग का नहीं है। नहीं भाई, हम बोल रहे एक समय निर्धारित की जाएगी आने वाले समय में, उसके बाद इन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ। देखिए यहाँ पे और भी वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। एमपी साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजय साहू जी। संजय जी, इस प्रकार का शिविर लगाया जा रहा है इस्लामपुर में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, एमपी साहब को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस्लामपुर में ये प्रखंड कार्यालय में ये शिविर लगाया गया है, इस्लामपुर नगर, एक अंगर ब्लॉक और इस्लामपुर ब्लॉक का। इस पहल के लिए माननीय सांसद साहब के कोटे कोटे धन्यवाद कि उन्हीं के प्रयास से ये शिविर लगाया गया मुक्त विकलांगों के लिए। और इतना ही नहीं है, ये कलकत्ता के लिम्को कंपनी के द्वारा लगाया गया है, और 40 से 45 दिन में सभी को जाँच हो रहा उनको बनकर समान आवेगा। माननीय सांसद महोदय उनके द्वारा फिर वितरित किया जाएगा सभी को बुलाकर, और ये बहुत सराहनीय काम है, ये अच्छा काम है, अच्छी इस्लामपुर में शुरुआत हुआ है और आगे भी फिर चलते रहेगा। मतलब कि विकलांगों के लिए मान करके चलिए कि एक स्वर्ण युग है। बिल्कुल सही, स्वर्ण युग है। विकलांगों के लिए कभी इस प्रकार का शिविर इस्लामपुर में नहीं लगा था, लेकिन एमपी साहब लगवाए। ये माननीय सांसद महोदय हर चीज नालंदा, पूरा नालंदा के बारे में सोचते हैं, जो जनहित के काम रहता है। देखिए एलिम्को के भी कुछ अधिकारी, हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए किस चीज़ का शिविर है और क्या हो रहा है? ये विकलांगों के लिए एलिम्को के द्वारा शिविर चल रही है,
जिसमें विकलांगों को व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल या क्रचेज वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो आराम से चल सके, वो उनका नॉर्मल जो डेली लाइफ जो है वो अच्छा चले, इसके लिए संस्था के द्वारा फ्री सेवा दिया जा रहा है। कौन सी संस्था है, क्या काम करती है? ये एलिम्को है, ये पूरे इंडिया में विकलांगों के लिए काम करती है, पूरे इंडिया में। अच्छा, ये जो विकलांग आए हैं पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, ठीक है, राइट, पूरे ब्लॉक से आए हैं, इन लोगों को जो आप अभी यहाँ पे विकलांग आ रहे हैं उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे? उनको व्हील चेयर, जो भी ऑर्थोपेडिक विकलांग होते हैं जिनके हड्डी जैसे पैर का कटा हुआ है, पैर टेढ़ा है, उनके लिए चलने के लिए KFO बनते हैं, AFO लगते हैं, व्हील चेयर लगते हैं, छड़ी लगते हैं, केन लगते हैं, ये सब उनको दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल लाइफ में चल सके अच्छे से। अच्छा, मिलेगा कब इन लोग? दूसरे को ऊपर डिपेंड ना हो सके, अपने ऊपर अपने से खुद ही जो भी है कर सके, इसके लिए एलिम्को द्वारा ये सब दिए जाते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये हुआ कि इन लोगों को मिलेगा कब उपकरण? ये अभी ये जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होती है, ये अभी असेसमेंट कैंप है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगी, उसमें इन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कब लगाई जाएगी, कोई संभावित तिथि? ये एक महीने के अंदर में ये हो जाते हैं, एक महीने के अंदर में ये सब हो जाते हैं। अच्छा, ये भारत सरकार का उपकरण? हाँ, भारत के सरकार के द्वारा उपकरण होती है, ये बहुत बड़ी संस्था है इंडिया के लिए, पूरे इंडिया में इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है ये। देखिए, एलिम्को के कुछ अधिकारी हैं जो कि बता रहे हैं कि अभी इन लोगों का असेसमेंट हो रहा है, कुछ महीने के बाद इन लोगों को जो उपकरण है वो भी दिया जाएगा, और MP साहब का यह पहल है। इस पहल के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।